हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज मैं जोडियक साइंस को लेकर रीडिंग करूँगी। आज मैं वाटर साइन के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। अप्रैल मंथ में जितना भी बचा है अप्रैल मंथ में आपके साथ क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ सरप्राइज ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है, आपके लिए ओवरऑल वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस के लिए जो भी गाइडेंस आ रही है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं बता दूं कि ये मैं वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस के लिए रीडिंग कर रही हूं और यहां पर वर्क, लव, हेल्थ जो भी आएगा सब कुछ बताऊंगी। तो अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग कहीं पर भी वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग और देखते हैं क्या आता है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। मैं बाकी एलिमेंट्स के लिए भी रीडिंग करूँगी, लाइक एयर, अर्थ एंड फायर, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आता है कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, या थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। स्ट्रेंथ, वाओ, लियो, वाओ, किंग ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टेन ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है वॉट ऑन द रेक्स थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है। जिस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, अलोन हैं इस टाइम, और बहुत पेन में हैं। या हो सकता है कि रिसेंटली आपको किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, जिस ब्रेकअप ने आपको काफ़ी दर्द दिया है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने काफ़ी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। इस टाइम आपका अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस है, आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम सेविंग्स में, और अपने जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप खुद का बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप उसमें अपना 100% लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ आपने बनाई हुई है, और जो भी पर्सन है आपके लाइफ में जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि आपको दुनियादारी के बारे में पता चला है, और आपका जो विज़न है ना देखने का दुनिया को, वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। आप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बने हैं, पहले से ज़्यादा कहीं और अच्छी तरह बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लायक बने हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आएगा जो कि बहुत अच्छे पर्सन होंगे, ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, डिवोटी होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन दिख रहे हैं मुझको ये, और यस, आपका अपने वर्क में इस टाइम पूरी तरीके से ध्यान है। आप अकेले हैं, पेन में तो हैं, लेकिन फिर भी अपने वर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, ठीक है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा बहुत जल्द। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, आप खुद को रीपेरेंट कर रहे हैं, मीन्स आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये चेंज आपकी लाइफ में बेटर से बेटर जो होगा वो होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, तो हो सकता है कि अभी आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज भरा टाइम है ना आपकी लाइफ में, इसीलिए इस तरीके से आप फील कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आप इससे ओवरकम होंगे, आपके अंदर इनफ मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, गॉड आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यस, एक न्यू लव आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं,
और हो सकता है कि इस नए पार्टनर के साथ मिलकर आप बहुत क्रिएटिविटी, यस कोई है पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। और लाइफ पर्पस, इस टाइम आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यही फेज़ आपकी जो लाइफ में आ रहा है वही आपको मेच्योर भी कर रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे टाइम अगर लाइफ में आता है तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में चेंज, बेटर चेंज के लिए आता है। डिस्कवरी, डेफिनेटली आप कुछ डिस्कवर करेंगे और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा। पैशन, जिस भी चीज में आप पैशनेट हैं वो काम कीजिए, उसमें मन लगा के 100% डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। ग्रोथ, डेफिनेटली देखो मुझे ना आपके बिजनेस में, जॉब में, करियर में, हेल्थ में, हर फैक्टर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इवन आपकी लव लाइफ में भी काफी ग्रोथ होगा, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और देखते हैं, वाओ, सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग, तो कुछ पैशन है, आप खुद का ही बिजनेस करते हैं जिसमें आप काफ़ी कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप ना आगे चलकर अपना कोई यूट्यूब का चैनल बनाएं, कुछ डिस्कवर करें, ठीक है, और जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत पैशनेट हैं, आपको नई नई चीज़ें करना पसंद है, आप वो भी करेंगे, ठीक है, और आप खुद का ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ग्रीफ, इस ब्रेकअप के पेन से बाहर आइए आप, क्योंकि जब तक इस पेन से बाहर नहीं आएंगे तो ये नया पर्सन आपकी लाइफ में नहीं एंटर हो सकता। मिस्टिसिज्म, आपको लगता है कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, बट नो, आप कोशिश तो करिए, दरवाजे भी आपको खुले हुए नजर आएंगे और डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, वो सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए और डिस्कवर करिए अपनी लाइफ में जितना आप कर सकते हैं। लव, डेफिनेटली लव आ रहा है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, सारी चीजों में पॉजिटिविटी देखोगा, इस चीज की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आपको वो उस चीज में आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, इस बात पर बिलीव किए करिए कि आप ज्यादा दिनों तक अब अलोन नहीं रहोगे, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट दिस पर्सन कम टू यू गाइज, अगर आप ग्रीफ में रहोगे तो कैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ पाएगा, आपकी वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी इस पर्सन तक। पीस, पीस अपने अंदर लेकर आइए। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिए, प्यार लेकर आइए, लव लेकर आइए, पीस लेकर आइए अपनी लाइफ में, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू, आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको अपना लाइफ पर्पस पता होना चाहिए, ठीक है। ये लाइफ पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों आए इस अर्थ पर, आप क्या करने आए हैं, ठीक है। अपना पर्पस फाइंड कीजिए, उस पर काम कीजिए और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप हील हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए एडवाइस देखती हूँ मैं आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, कॉन्फिडेंट इज की टू सक्सेस, ये आपका हीलिंग का टाइम है और डेफिनेटली खुद को हील कीजिए, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से बाहर आइए और कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है, यही है आपकी सक्सेस की की। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये जो टफ साइकिल है इसको अप्रोच करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, चलिए और देखते हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन में प्यार लेकर आइए, ठीक है। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पर सरेंडर कर दो गाइस, डेफिनेटली आप
अपने काम करते रहो, अपने अपना जो भी आपको मिलना है वो डिवाइन पर सरेंडर कर दो, अपने सारे दुख दर्द और अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए एंजल क्या बोलेंगे आपको ये भी देख लेते हैं। यस, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अनलाइकली अभी थोड़ी सिचुएशन संभावनाएं कम है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि अभी इसीलिए कम है क्योंकि देखो आपको, देखो नो भी आया, अभी इसीलिए कम नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आपको हील होने की ज़रूरत है। जब तक अपने लेसन्स नहीं सीखोगे तब तक नहीं मिलेगी, ठीक है। वो राइट पर्सन भी आपकी लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप कुछ अप्रोच नहीं करोगे खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहो, आपकी लाइफ में सही टाइम पर डेफिनेटली वो पर्सन आएंगे और आप अपने करियर में भी काफ़ी ग्रोथ करोगे और सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।